हेलो एवरीवन, मैं प्रेमशीला कुमारी। आज मैं सूजी से केक बनाने की रेसिपी लेकर हूँ, जो बिल्कुल आसानी से आप घर में बना सकते हैं। ये सभी सामग्री आपके घर में मिल जाएंगे, तो चलिए बनाते हैं सूजी से केक। सूजी के केक के लिए जो हमें सामग्री चाहिए, ये मैंने लिया है 1.5 कप सूजी लिया है। मैंने बारीक सूजी लिया है। अगर मोटा सूजी आपके पास है तो उसे मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। और ये दही है, इसमें से मैं 2 कप दही लूँगी। ये चीनी है, ये चीनी में ये 1 कप है, और ये 1.5 कप सूजी है, तो ये थोड़ा सा मैंने 3/4 कप मैंने चीनी ले लिया है, ये इसमें डाल दूँगी। और थोड़ा सा टूटी फूटी है, मेरे पास एक ही कलर का है, आप एक कलरफुल भी डाल सकते हैं। ये तेल है, ये 1/4 कप तेल मैंने रखा है। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, और ये मैंने लिया है वनीला एसेंस, और ये 2 कप मैं दही डालूँगी। बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो हम फिर देखेंगे पेस्ट हमारा कैसा हो रहा है। ये 2 कप दही डाल दिए, और इसे मिक्स करेंगे हम। मिक्स करके हम इसे 1.5 घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे। ये अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, जो सूजी है ये मिक्स हो गया, और इसे छोड़ देंगे, इसे ढककर रख देते हैं। ये बेकिंग पाउडर है, इसमें से मैं 2 चम्मच छोटा चम्मच से डालूंगी, और ये थोड़ा सा मीठा सोडा है। अब 1.5 घंटा हो चुका है, हमारा ये पेस्ट बिल्कुल तैयार है। देखिए, इसमें किसी कोई दूध वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें मैं चम्मच से, मेरे पास 1 चम्मच है, ये वाला चम्मच है, देखिए इतना मैं इससे इतना 2 चम्मच डालूँगी। मैं इस चम्मच से मैं भी रख कर बताती हूँ कितना डाला है। देखिए इतना आएगा, इसमें 1/2 चम्मच आ रहा है, इतना डालेंगे। इतना करके आप इससे 2 चम्मच डाल दीजिए। ये छोटे वाला से, छोटा वाला नहीं है तो इसे आप 1.5 चम्मच डाल दीजिए। और मीठा सोडा भी हम डालेंगे इस चम्मच से, इतना हम मीठा सोडा डालेंगे, और इसे मिक्स करके हम 15 मिनट इसे छोड़ रखेंगे ढककर। इसमें अच्छे से खमीर आ जाएगा। देखिए ये खमीर हो चुका है, देखिए कैसे ये हमारा बेकिंग सोडा मीठा मीठा सोडा डाले थे, अच्छा से हो गया है, मेरा पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें मैं वनीला तेल डाल, ये जो तेल रखा है हमने, इसे मिक्स करूँगी, और इसे मिक्स कर लेंगे। एक ही तरफ से चला रहे हैं तो एक ही तरफ से मिक्स कीजिए, और कट एंड फोल्ड ऐसे, फिर ऐसे कीजिए। इस तेल अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं वनीला एसेंस डालूँगी, करीब 4-5 बूंद डालूँगी इसमें, इसे भी मिक्स कर लूँगी, और इसे मैं कुकर में बनाऊँगी। देखिए अच्छा सा हो गया है बढ़िया से, और मैं कुकर में, मैंने इसमें तेल लगा दी हूँ, तेल चारों ओर से लगा दी हूँ, और मैं ऑल पर्पज़ फ्लावर रखेंगे, मैं यहाँ हीट फ्लावर रखी हूँ। ऐसे चारों ओर से ऐसे करके इसे चारों ओर से हम चारों से करके इसे चारों से मिक्स कर देंगे आटे को। अब इसके अंदर ये इसे डालेंगे। अब मैं तवा को चूल्हा पर रखती हूँ, चूल्हा को ऑन करती हूँ। ये थोड़ा गर्म हो जाएगा हमारा तवा, तब जब तक ये गर्म हो रहा है, ये जो हमारा पेस्ट तैयार है इसे ये कुकर में रखेंगे।
कुकर में रख दिया हमने। अब इस पर हम चेरी डालेंगे। इस तरह से चेरी को डाल देंगे और हम इस कुकर को तवे के ऊपर रख देंगे। अब रख दिए हैं तवा के ऊपर और बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे चूल्हा को, गैस को हम। अब ढक्कन से हम रबड़ और सीटी निकाल लेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। कम से कम 35 मिनट हम इसे 35-40 मिनट इस पर हम लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि पका है कि नहीं। अगर नहीं चेक होगा तो फिर 5 मिनट और रखेंगे, अगर नहीं पका होगा तो। ये बनकर लग रहा है तैयार हो गया। अब मैं इसे चेक करूंगी, देखते हैं चाकू से चेक करके। देखिए चाकू में नहीं चिपक रहा है, अब ये तैयार हो चुका है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और बिल्कुल ठंडा होने देंगे, क्योंकि सूजी का है, थोड़ा भी गर्म रहेगा तो ये निकालेंगे तो टूट जाएगा। तो बिल्कुल ठंडा होने देंगे 2 घंटा, उसके बाद इसे निकालते हैं। देखिए बन चुका है और ठंडा हो चुका है केक। देखिए मैं निकाल कर बताती हूँ। इसे निकालने से पहले चारों ओर से ऐसे ऐसे कर दीजिए कि ये छोड़ देगा, और आराम से चारों ओर से पहले ऐसे ऐसे उठाए, इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए, खोल दीजिए चारों ओर से, फिर इसे निकालिए। कि अब मैं निकालती हूँ इसे, मैंने कर दिया है। देखिए ये कुकर में है, मैं थोड़ा इसे टेढ़ा करूँगी। ये देखिए ये पूरी तरह से केक निकल आया हमारा, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और अभी मैं आपको काट कर भी दिखाऊँगी। देखिए मैं काट कर भी दिखाती हूँ आपको। देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सुंदर बना है केक। देखिए कितना स्पंजी और फूला फूला हुआ है ये। देखिए बहुत ही सुंदर केक है, आप बनाइए ज़रूर। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हाँ आइकन बेल ज़रूर दबाइए अगला वीडियो जल्दी देखने के लिए। थैंक यू।